दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग, लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के, मंजिलों को चूम के, चले जमाना इनके संग। राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। Speaking. क्या बकवास मत करो, मुझे अब तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें यहां का नंबर किसने दिया? मैंने कहा ना मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं। देखो मुझे घर पे फोन करके डिस्टर्ब मत करो। एक बार कह दिया ना मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं। मुझ पर तुम्हारी धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला है। अच्छा राइट, ये भी करके देख लो, जाओ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं मिलूंगा तुमसे। कहां पर? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। क्यों बुलाया गया है? बोलो जल्दी, क्या काम है? काम? धोखेबाज? मैं तुझसे अपना पुराना हिसाब चुकता करने आई हूँ। तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर मेरे सारी दौलत हड़प कर ली है। अरे उसे वसूल करने आई हूँ मैं। तुम मुझे क्या इतना बेवकूफ समझती हो कि मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा? तुम बेवकूफ कहाँ हो? अरे बेवकूफ तो मुझे बनाया गया है जो मेरी दौलत के दम पर तुम इस तरह रोशन हुए घूम रहे हो, और मैं इन अंधेरों में भटक रही हूँ। इतने सालों बाद दो दिन पहले मुझे पता लगा कि तुम इस शहर में रह रहे हो शान से, और अब मैं हर कीमत पर तुमसे अपनी दौलत लेकर रहूंगी, समझे? बस मत करो, और एक बात कान खोलकर सुन लो, जहां से आई हो वहां वापस चली जाओ। आइंदा इस शहर में नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझ गई?
अब तो खुश होना दीवान। वह वही जो तुमने प्री प्लान किया था। दीवान, गिरगिट और तुम में सिर्फ एक फर्क निकलता है, वो जब रंग बदलता है तो नजर आता है, पर तुम कब बदल गए? हमारी तो समझ में नहीं आया। अब चुप्पी छोड़ो भी दीवान। माना कि अकलमंद लोग कई मौकों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी चुप्पी से बेईमानी की बू आ रही है। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो क्या गया है तुम लोगों को? आज से पहले तुम लोग कभी इस तरह मेरे साथ पेश नहीं आए। आ चुके। आज से पहले हम सब पार्टनर्स तुम्हें अपना सगा भाई समझते थे, मगर आज पता चला है कि तुम तो सिर्फ अपने साले के बहनों ही होकर रह गए हो। हाँ दीवान, तुमने अपने साले अमर के लिए अपना जमीन तक बेच दिया। इज राइट, तुमने हम लोगों के साथ चीटिंग किया है। बकवास मत करो। बोले मत बनो दीवान, हमारी नजरों से पर्दा हट गया है, तुम्हारा हर रूप हमें साफ नजर आ रहा है। जरूर तुम लोगों को किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। तुम्हें तुम्हारे साले ने हमारे खिलाफ भड़काया है, वरना नेशनल फार्मास्यूटिकल्स के टेंडर जो सब हम पार्टनर्स से भरे थे वो हमारे बजाय अमर लाने जाता। हाँ दीवान, क्योंकि तुम चाहते थे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अमर की जेब में जाए। ये झूठ है। अमर मेरा साला जरूर है, लेकिन हम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। बिजनेस तो दूर, हम दोनों एक साथ में बैठकर पानी तक नहीं पीते। सिर्फ दुनिया की नजरों में दीवान, पीठ पीछे तुम्हारी कोई मीटिंग अमर के बगैर नहीं होती। यही वजह है कि टेंडर में सबसे कम रकम भरने के बावजूद टेंडर अमर पास करवा ले गया। ये चाल तुम्हारे बगैर और कौन चल सकता है? दीवान, आज तुम उन्हीं लोगों के साथ धोखा दे रहे हो जिनकी हेल्प से तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे सारे काले धंधे हमारी नजरों से छुपे नहीं, हम सब बाकायदा वाकिफ। तो फिर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम लोग तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकते? तुम मुझे धमकी देने की भूल कर रहे हो। हीरा कोयले की खान में रहकर भी मेला नहीं होता है। और सक्सेना, तुम अपनी फिक्र करो, मैं तुम्हारे सारे काले धंधे अच्छी तरह जानता हूँ। तो दीवान, तुम्हारी जानकारी और बढ़ा लो। तुमने हमारे साथ जो धोखाधड़ी की है ना, उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने जोरू के भाई का सहारा लेकर तुमने हमें खड्डे में ढकेल दिया, लेकिन कल हम सब तुम्हारे लिए ऐसा खड्डा खोदेंगे जिसमें सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी ससुराल तक दफन हो जाएगी। जस्ट रिमेंबर इट। चलो। हेलो। हेलो अमर। हाँ जीजा जी, कहिए, सुबह सुबह कैसे फोन किया? आज की सुबह को हमेशा के लिए याद रख लो, इसे कभी नहीं भूलना। क्यों, ऐसी क्या खास बात है सुबह में? सक्सेना और मेरे पार्टनर्स को हम दोनों की मिली भगत का पता चल गया है। What? और कैसे? वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो टेंडर के बारे में उनको शक हो गया है। अब हम दोनों को चौकन्ना रहना होगा। आज के बाद दुनिया वालों के सामने वही नाटक जारी रखना होगा जो आज तक हम करते आए हैं, जैसे एक दूसरे के दुश्मन है। समझ गया जी। अजी आप चिंता मत कीजिए। बात है, कुछ परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, यही बिजनेस का टेंशन। एक काम करो, मेरे लिए कप चाय ले लो। सो चीयर्स टू माय सक्सेस। अरे वाह अमर वाह, तूने तो यार कमाल कर दिया। अमर, इतने बड़े बड़े लोगों ने टेंडर भरे थे, फिर भी तूने हाथ मार दिया। आराम से नहीं दोस्त, आराम से हाथ नहीं मारा है, इसके लिए भेजे की जरूरत होती है। You know something here? उसका इस्तेमाल किया और बस। अमर, इस सौदे के अंदर तू कम से कम 10 करोड़ रुपया तो कमा लेगा, है ना? बेटा रिपीट करो। हमसे चीटिंग करके ये लोग एंजॉय कर रहा है। बिल लेके आओ। क्यों, पैसा तेरा बाप देगा क्या? जाओ जाके दारू लाओ। चीटर्स, ऑल आर चीटर्स। अमर यार, तू मुझे एक बात सच सच बता कि तेरी इस कामयाबी के पीछे दीवान साहब का हाथ तो जरूर होना चाहिए। फालतू की बातें मत कर, मुझे पता नहीं मेरी और उनकी बनती नहीं। चाहे मैं उनका साला हूं, पर हम दोनों बात तक नहीं करते। और ये जो कुछ मैंने हासिल किया है
अपने मेहनत से और अपने दिमाग के बल पर, किसी की सिफारिश से नहीं। वेटर, ड्रिंक्स क्यों नहीं आई अभी तक? अरे आ यार। अरे वेटर, ड्रिंक लाओ, इसको पिलाओ हमारी तरफ से। ये बोलता है कि इसने जो भी कमाया है मेहनत से कमाया है। हाँ, तुम्हारी पसीने से चीटिंग का स्मेल आता है। शराब मिस्टर क्रेस्टो, माइंड योर लैंग्वेज। ये शरीफों का क्लब है। शरीफों का क्लब? जहाँ तुम्हारे जैसा चीटर रहता है वो शरीफों का क्लब। मिस्टर क्रेस्टो, एक लफ्ज और निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या कर लेगा तुम मेरा? अरे निकालो। राजा 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 क्रेस्टो, एक मिनट, घर चलो, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। आप फिक्र मत कीजिए मिसेस क्रेस्टो, मुझे लगता है इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बच्चे। अंकल एंड्रू, एंड्रू किसको मारेगा तू? मिसेस क्रेस्टो, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मेरे किसी सवाल का जवाब दे पाएंगे। मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। आपको हमारे लिए खामोखा का तकलीफ हुआ? नहीं नहीं, तकलीफ कैसा, ये तो मेरी ड्यूटी है। आप इनका ख्याल रखिए प्लीज। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। एंड्रू, एंड्रू सीधा बैठो। एंड्रू, डॉक्टर ये ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं, आप ये दवाइयां मंगा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अरे भाई, अच्छा हुआ तुम जो मिल गए रास्ते में, वरना मैं तो आज। इट्स ओके सर, पर ये आपको मिले कहाँ? मैं रास्ते से जा रहा था सर, अचानक मेरी नजर पड़ी इनको इस बेहोशी की हालत में देखा और यहाँ ले आया। जवान साहब, क्या कोई एक्सीडेंट? नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं, मैं गाड़ी से जा रहा था तो मैंने देखा रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ है। मैंने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, उसे देख रहा था, उतने में किसी ने मेरे सर पे मार दिया कुछ। क्या? पीछे से मुझ पर हमला हुआ। हमला? मुझ पर हमला किया गया है। क्या आपने हमला करने वाले को देखा? नो इंस्पेक्टर, वो तो मैं देख नहीं पाया था। पर फिर भी मुझे लगता है ये इनके बिजनेस पार्टनर्स की करतूत हो सकती है। या इवन आई थिंक सो, क्योंकि इंस्पेक्टर आजकल हम लोगों के बीच में बिजनेस को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है और उन लोगों ने मुझे मार देने की धमकी भी दी थी। इंस्पेक्टर, व्हाई डोंट यू अरेस्ट देम? आज तो जीजाजी बच गए, पता नहीं कल को। एक मिनट जवान साहब, क्या आप यकीन के साथ कह सकते कि हमला उन्होंने किया? यस 100% इंस्पेक्टर, 100%। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, इस बार तो मेरे पति बच गए लेकिन इन पर दोबारा भी हमला हो सकता है। डोंट वरी, हम इस मामले की अच्छी तरह तहकीकात करेंगे। आप मुझे उन चारों पार्टनर्स के नाम और पति बताइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप लोगों में और दीवान साहब में झगड़ा हुआ था, और गुस्से में अगर आप लोगों ने दीवान साहब को और उन्होंने आपको धमकाया था। इंस्पेक्टर साहब, हम पार्टनर्स में से किसी ने भी दीवान साहब पर हमला नहीं किया था, हम सच कह रहे हैं। आखिर हम बिजनेसमैन हैं, इस हद तक नहीं गिर सकते। दीवान हमारे भाई जैसा है, हम उस पर हमला क्यों करेंगे? क्रेस्टो, आपने तो उनके साले अमर पर भी हाथ उठाया था। हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन वो तो सब नशे की हालत में हो गया था। हम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब आप लोग एक बात याद रखना, गुस्से में आकर कभी कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे दीवान साहब को या आपको हानि पहुंचे।
इज दैट क्लियर? आप लोग जा सकते हैं। अब कैसा लग रहा है? ठीक है, पीछे थोड़ा दर्द है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन सर। आओ बैठो। इट्स ओके। अरे भाई, तुमने कहा था तुम बेरोजगार हो, कोई काम धंधे की तलाश में हो? जी हाँ सर। मेरे लिए काम करोगे? इससे बढ़कर खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है सर? ठीक है, तो आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी कम बॉडीगार्ड हो। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच दीवान साहब। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, आज से ही काम शुरू कर दो। रंचो, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, यहीं ठहरो, और अगर कोई गड़बड़ हो तो समझ गए ना, फौरन हॉल पर जा देना। चलो नीचे आ जाओ। कम डाउन, कम डाउन, फास्ट, कम ऑन। हेलो मिसेस क्रेस्टन। अरे राजा साहब, आप आइए ना, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, आप इधर आज अपुन के घर में कुछ? दरअसल मैं क्रेस्टो से मिलने के लिए आया। वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया, कुछ खास काम था क्या? उस रात जो भी कुछ हुआ उसके सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी। अपुन को समझा नहीं राजा साहब। वेल, आपको याद होगा कि उस रात वो नशे में बड़बड़ा रहा था कि आई विल किल हिम, मार डालूंगा। किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं तो चलो ग्रेस्टो, अब तुम चुपचाप घर जाओ। देखो, हमें दीवान का कांटा तो निकालना है, लेकिन बड़ी खूबी के साथ। किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसके लिए अपने पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और जिस तरह तुमने अमर के साथ बेसब्री दिखाई, वैसी हरकत दोबारा मत करना तुम। अरे यार, इज ओके ओके, लीव इट। लेकिन आज ही अपना गुप्ता नजर नहीं आया। माँ यार, आज नहीं आया, वो कल आने गया। तुम आराम करो। ओके, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। आराम से। ओके ओके। चिटिंग करता हूँ। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि क्रेस्टो मेरा दोस्त है। अगर उसे किसी तरह की परेशानी है तो वो मुझसे क्यों नहीं कहता? I will help him out. क्या हो रहा है? मुझे लगता है कोई खतरा है। ये तो एनु की आवाज है। My God, come on, rush, come on, fast. राजा साहब, वो दीवान है। राजा साहब, व्हाट, दीवान? हाँ,
इसमें कोई शक नहीं कि क्रेस्टो का खून दीवान ने किया है, और इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए हमें खुद कुछ कदम उठा लेना चाहिए। नमस्ते जी। दीवान साहब घर पर हैं? नहीं, वो कुछ काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आप बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। कम रेंचो, आप कहिए कैसे आना हुआ? दरअसल मैं क्रेस्टो के मर्डर के सिलसिले में आपसे। देखिए राजा साहब, अगर आपको ये शक है कि मेरे पति ने मिस्टर क्रेस्टो का खून किया तो वो गलत है। माफ कीजिए, अभी तक मुझे किसी पर शक नहीं, मैं सिर्फ तहकीकात करने के लिए। Rancho?